नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आपका स्वागत है YouTube चैनल अमेजिंग गया में। दोस्तों, आपने कई बार कंप्यूटर को, फ़ोन को, डिजिटल डेटा को सिक्योर करने के लिए पिन, पासवर्ड और पासकोड का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि तीन चीज़ों में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पिन, पासवर्ड और पासकोड में क्या अंतर होता है, इनकी क्या खासियत होती है। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल डिजिटल वर्ल्ड में डेटा को, गैजेट्स को लॉक करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप फ़ोन में इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हो, टैबलेट्स में इस्तेमाल करते हो, साथ ही जो ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, डिजिटल डेटा होता है, तो उनको सिक्योर करने के लिए, लॉक करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका डेटा दूसरा कोई एक्सेस ना कर पाए। तो सबसे पहले हम पिन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, 0 से 9 नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके पिन क्रिएट कर सकते हो, जिसके ज़रिए आप गैजेट्स को, अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हो। दोस्तों, ये लेंथ में शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पासवर्ड। अगर हम इसकी पासवर्ड से कंपेयर करते हैं तो वो पासवर्ड के मुकाबले कम सिक्योर होता है, तो वो पासवर्ड की तरह हाईली सिक्योर्ड नहीं होता है। तो पिन का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में, जैसे कि फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट्स, साथ ही दोस्तों अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से, साथ ही ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उनको एक्सेस करने के लिए पिन का इस्तेमाल किया जाता है। पिन ज़्यादातर 4 डिजिट्स के होते हैं। तो दोस्तों, पासवर्ड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, यानी उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके, कंबाइन करके हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं। अगर अभी इसकी तुलना पिन से करते हैं तो पिन से पासवर्ड ज़्यादा सिक्योर होता है, उनको हैक करना उतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिक्स करके हम पासवर्ड बना सकते हैं और पासवर्ड का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में, फ़ोन में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में और साथ ही दोस्तों जो ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक है, ईमेल अकाउंट है, तो हम वहाँ पर पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पासकोड, दोस्तों पासकोड का मतलब क्या होता है? ये ज़्यादातर एप्पल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आईफोन है, आईपैड है, मैकबुक है, तो इनमें पासकोड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पासकोड को पासवर्ड के समानार्थक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों टेक्निकल देखा जाए तो पासकोड पिन ही होता है, जिसमें सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, पासकोड को पिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें नंबर्स होते हैं और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर एप्पल प्रोडक्ट्स में किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पासवर्ड, पासकोड और पिन में अंतर होता है। हालांकि देखा जाए तो पिन और पासकोड एक ही होते हैं, लेकिन सिर्फ नाम में अंतर होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नॉलेज वीडियो आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।